नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सबको नमस्कार। नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आपने बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है? इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता, ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की एजाज करते हैं। इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से ने खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा।